Thank <laughs> you. Good morning. Good morning to all. Ripti, good morning. वंशिका वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक विशाल गौरव वेरी गुड मॉर्निंग विशाल श्रीवास्तव हिमांशु गुड मॉर्निंग गौरव शुक्ला वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मयंक लास्ट क्लास में क्या टॉपिक uh, चल रहा था हम लोगों का स्कैनर स्कैनर कंप्लीट हो गया था जिसमें हम लोगों ने स्कैनर में एम आई सी आर ओ बी आर ओ सी आर है ना ये सारा उसमें देख लिया था ओके आज तुम्हारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा आई पी आर ओके आईपीआर इज वॉट इंटेलेक्चुअल property right यहां राइट right का मतलब है अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं कोई भी आपकी संपत्ति आपकी कोई वस्तु जिसपे आपका अधिकार हो उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं जो प्रॉपर्टी आपने पर्सन ने किसी भी पर्सन ने जैसे कोई पर्सन है इस पर्सन ने क्या करा के अपना यूज ब्रेन अपना दिमाग यूज करा और क्या बनाया मेक समथिंग विच इज यूनिक इन द होल वर्ल्ड जो पूरी दुनिया में कैसा हो पूरी दुनिया में यूनिक हो यूनिक का तो मतलब जिसके जैसा कोई ना हो आपने अपना ब्रेन यूज करके कोई ऐसी चीज बनाई जो यूनिक है और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है तो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक तो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये क्या है ये एक्ट एक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कानून जिसमें आप अपनी कोई भी चीज अपने ब्रेन से बना करके अपने दिमाग को यूज करके ऐसी चीज बना दीजिए जो कि यूनिक हो पूरे वर्ल्ड में ये कोई लोगो हो सकता है ये कोई मेडिसिन हो सकती है ये कोई पोएम हो सकती है कोई सॉन्ग हो सकता है कोई म्यूजिक हो सकता है कोई मूवी हो सकता है कोई गेम हो सकता है एनीथिंग एनीथिंग इट कुड बी एनीथिंग आप अपने ब्रेन को यूज करके तो कुछ भी बना सकते हैं ना लेकिन वैसा फिर किसी ने ना बनाया वैसा फिर किसी ने ना बनाया हो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रिमोट ठीक है ठीके? ये रिमोट है सिंपल एसी का रिमोट है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है माइक्रोमैक्स ठीक है ये रिमोट है एसी का रिमोट है इसमें लिखा माइक्रोमैक्स ये हो सकता है ब्लू स्टार का होता है एल का होता ठीक है ये हिताची का भी हो सकता था डैकिन का भी हो सकता था किसी का भी रिमोट हो सकता था अब यहाँ पर इस माइक्रोमैक्स ये जो लिखा हुआ है कि ये रिमोट माइक्रोमैक्स ने बनाया तो ये ब्रांड हो गया इसका ठीक अब सेम ऐसे ही डिजाइन का रिमोट हम बना दें और उस पर हम लिख दें डिजाइन मार्केट में भेज दें तो माइक्रोमैक्स वाले आई कानून के तहत इस कानून के तहत हमारे पे केस कर देंगे कि साहब ये रिमोट हमारा है हमने इसका डिजाइन बनाया है। ये हमारा ब्रांड ये इनका ब्रांड नहीं है यूनिक चीज बनी है और अगर सिमिलर चीज बना रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप उसका अधिकार बता रहे हैं कि ये हमारा है जैसे मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन बनाई जैसे अब आजकल कोरोना चल रहा है ठीक है तो कोरोना में बहुत सारी सी वार मेडिसिन है और भी बहुत सारी अब मान लीजिए आपने एक मेडिसिन बनाई ठीक है और उस मेडिसिन पर आपने अपने कंपनी का नाम लिख दिया कि भाई ये मेडिसिन हमने बनाई है जैसे मान लीजिए कि आपने एक मेडिसिन बनाई उस मेडिसिन का मान लीजिए नाम है क्रोनोमाइसिन एनीथिंग हम कोई नाम एक ले लेते हैं क्रोनोमाइसिन नाम है ऐसे ही दवाओं का नाम होता है ना अब ये आपने बना दी ठीक है अब मान लीजिए कि आप जो है वो है एक्स ये एक्स कंपनी ने इसको बनाई तो मेडिसिन को बनाने के लिए क्या यूज होगा फॉर्मूला इस फॉर्मूले को चुरा लिया किसने वाई कंपनी ने और वाई कंपनी ने भी यही मेडिसिन बना दी और वाई कंपनी ने कहा कि ये जो कोरोना माइसिन है ये हमने बनाई है ठीक तो अब एक्स कंपनी के पास ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिससे ये इसके ऊपर क्या कर सके केस कर सके तो इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया उस एक्ट को कहा गया आईपीआर एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ठीक है ये बेसिकली पहले हुआ करता था पहले क्या अभी भी है कॉपीराइट एक्ट के तहत ही आता है कॉपीराइट कॉपीराइट एक्ट तो अब ये एक्स कंपनी वाई कंपनी पे केस कर सकती है लेकिन केस कब करेगी होगा क्या कि जब भी आपने कोई नया काम करा हो यूनिक काम करा हो तो उस यूनिक काम को इस क्रोनोमाइसिन को क्या करना पड़ेगा इस आईपीआर के तहत रजिस्टर कराना होगा रजिस्टर अगर रजिस्टर नहीं कराया है तब आप एक्स वाई कंपनी पे केस नहीं कर पाएंगे अगर आपने रजिस्टर करा लिया है रजिस्टर करा लिया है तब आप वाई कंपनी पे केस कर पाएंगे ये उसी तरीके से समझिए जैसे आप शोरूम से एक गाड़ी निकाल लाइए और आप कह दीजिए कि हम इसका रजिस्ट्रेशन खुद करा लेंगे मतलब वो नंबर नंबर कुछ ना दे सिर्फ गाड़ी गाड़ी आप खरीद लाइए और वो गाड़ी बाहर कुछ लुटेरों ने लूट ली अब आप पुलिस में कम्प्लेन लिखाने गए कि हमने साहब यहाँ से गाड़ी खरीदी थी, थी लेकिन लूट ली और लुटेरों ने क्या करा वो जा करके रजिस्ट्रेशन लगा करके रजिस्ट्रेशन करा करके उस पर नंबर लिखवा लिया यूपी सेवेंटी ए नाइन जीरो नाइन जीरो मान लो कोई भी गाड़ी का नंबर हमने ले लिया तो पुलिस जब इनको पकड़ेगी तो पुलिस इनको पकड़ेगी ही नहीं कहेगी कि भाई ये तो गाड़ी का पेपर चेक करेगी कि गाड़ी के पेपर आपके नाम है यानी चोर व्यक्ति के नाम है चोर अपने नाम करा लेगा इसको तो इसके लिए क्या करिए जब भी आप गाड़ी कंपनी से करिए खरीदिए सबसे पहले उसको आरटीओ में रजिस्टर कराएंगे जैसे ही रजिस्टर कराएंगे आरटीओ आपको एक नंबर दे देगा ये नंबर आपको दे देगा आपके नाम से अब चुराने वाले पर आप केस कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है तो वहां तो खैर चोरी का केस लगता है फ्रॉड फ्रॉड का चोरी का ठीक है यहाँ पर ऐसी कोई चीज जैसे आपने कोई लोगो बनाया कोई डिजाइन बनाया कंपनी का नाम बनाया आपने ठीक है जैसे आप मान लीजिए के कंपनी है आपने कोई कोल्ड ड्रिंक बनाई ठीक है आपने बनाई आपने एक कोल्ड ड्रिंक बनाई आपकी कंपनी ने ड्रिंक बनाई ठीक है अब कोल्ड ड्रिंक का नाम आज की डेट में आप रख दीजिए पेप्सी वैसे ही पेप्सी रख के आप मार्केट में बेचेंगे जैसे ही मार्केट में बेचने शुरू करेंगे तो जो ओरिजिनल पेप्सी है वो आपकी कंपनी पे क्या कर देगी केस कर देगी किसके तहत आई पी आर एप के तहत ठीक है क्योंकि आपकी ये जो पेप्सी है ये पेप्सी क्या ओरिजिनल कंपनी क्या कहेगी ओरिजिनल कंपनी कहेगी कि ये डुप्लीकेट पेप्सी है ओरिजिनल पेप्सी हम हैं तो जो ओरिजिनल वाली पेप्सी है वो आप पर क्या करेगी केस कर देगी ऐसे ही आपने एक पोएम लिखी ठीक है आपने एक पोएम लिखी आप मान लीजिए कि आप है आ, एक्स पर्सन है आप एक्स पर्सन है ठीक है आपने एक पोएम लिखी और इस पोएम को आपने लिखा और यहां पे आपने लिख दिया नीचे बाई एक्स कि भाई एक्स ने ये पोएम लिखी है ठीक है इस पोएम को आपने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप कर दिया मान लीजिए व्हाट्सएप कर दिया कि भाई देखो कैसी पोएम लगी व्हाट्सएप कर दिया अब आपका जो दोस्त है क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है ऐसा सुना मतलब <laughs> ये कहा जाता है उसमें, ऐसा होता नहीं है तो अब वही वाली बात है ये जो वाई पर्सन है ये क्या करेगा ये इस पोएम को कहेगा बहुत अच्छी पोएम है और इस पोएम को क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा और यहाँ नीचे लिख देगा बाई वाई ये देखिए हर एक फ्रेंड समझ गए जरूरी होता है तो ये हर एक फ्रेंड जरूरी है तो ये वाले फ्रेंड ने धोखा कर दिया इस फ्रेंड को तो अब ये फ्रेंड जो एक्स वाला है ये कहता रहेगा सबसे कि ये मेरी पोएम है ये मेरी पोएम लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कहेगा तुमने हो सकता है वाई की पोएम चुरा के अपना नाम लिख दिया हो तो आप एक्स कहेगा नहीं नहीं ये हमारी पोएम थी लेकिन इसको वाई को हमने फॉरवर्ड करा था तो वाई ने अपना नाम लिख के तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया किसी जेड पर्सन को जेड ने अपना नाम लिख दिया नीचे यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ और जेड ने कहा बाई जेड अब लो जेड ने कहा ये मेरी है तो ना एक्स की है ना वाई की है ना जेड की है जो क्लेम कर ले क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं, नहीं कराया तो अगर एक्स पर्सन आईपीआर के तहत कॉपीराइट एक्ट इसमें कॉपीराइट एक्ट लगता है पोएम वगैरह में स्टोरी में पोएम में सॉन्ग में म्यूजिक में एल्बम बनाने में कॉपी राइट एक्ट ऐसे करके सी बना रहता है है इस तरह का देखा आप लोगों ने ठीक है? इसमें कुछ लिखना नहीं है इसमें क्या लिखोगे विशाल इसमें कुछ लिखना नहीं है इसमें जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो अपना लिख लो बाकी अभी लिखने वाला हम बता देंगे तुमको टेंशन नहीं लो इतनी चीजें समझ में आ रही है नहीं सबको कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं समझ में आ रहा हो पहले मैं बता ऐसा करके सी देखते हो ना ऐसा लिखा रहता है ये ऐसे लिखा लिखा रहता 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 है 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 गोला बना रहता है, उसमें सी ऐसे ही इस तरह के कई सारे सिंबल्स भी होते हैं ठीक है ना जैसे जैसे आपको सिंबल दिखाते हैं जैसे ऐसे सिंबल्स होते हैं कुछ जैसे ऐसे सिंबल होते हैं सी बना रहता है ऐसे ही सिंबल होता है उसमें आर बना रहता है ऐसे होता है उसमें टीएम बना रहता है ठीक है ये होता है आपका कॉपी राइट right का सिंबल और ये होता है आपका रजिस्टर्ड इसके लिए हर शहर में और हर कैपिटल uh, में जैसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आप वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने चीज का अपने लोगों का अपनी चीजों का इसका एक विभाग पूरा बना हुआ है ट्रेडमार्क तो अब क्या है कि कोई भी चीज आपने बनाई उसको जब आप ट्रेडमार्क के लिए या रजिस्टर्ड के लिए या कॉपीराइट के लिए ले जाएंगे तो पहले वो चेक कराएंगे जैसे आप आप एक्स लेकर के पहुंचा एक्स ने कहा कि भाई ये हमने दवा बनाई है ये हमने डिजाइन बनाया है या ये एक्स कंपनी है कोई इसने कहा कि हमने फलानी चीज बनाई है यूनिक है तो वो विभाग में जमा कर देगा आईपीआर डिपार्टमेंट में हर जगह हर सिटी में होता है ठीक है वहां जाकर के जमा कर देगा जनरली यहाँ का इंडिया में जो आईपीआर डिपार्टमेंट है वो एम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स वहां पर है तो वहां पर इसका एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है वहां जाकर के आप इसको रजिस्टर कराएंगे तो ये क्या करेगा ये दो से तीन महीना लेगा दो से तीन महीना और पूरे वर्ल्ड में चेक करेगा कि इस तरह का कोई और तो नहीं बना सका है टू टू थ्री मंथ टू चेक द कि ये पहले से तो नहीं बना है टू चेक फिर अगर आपका जो भी पेटेंट है पेटेंट इसको हम पेटेंट भी कह सकते हैं कोई आपने फॉर्मूला बनाया कोई दवा बनाई वो पेटेंट हो जाता है इसी तरह से कोई पोएम लिखा वो कॉपीराइट हो जाता है पोएम लिखा कोई मूवी बनाई कोई सॉन्ग बनाया ठीक है उसको हम इसमें पेटेंट में तो मेडिसिन वगैरह आ जाती है मेडिसिन है कोई कोल्ड ड्रिंक है ड्रिंक्स वगैरह आ गई इस तरह की कोई खाने पीने की चीजें पेटेंट में आ जाती हैं दवाओं में आ जाती हैं दवा के फार्मूले वगैरह देखिए इस समय हर कंपनी दावा कर रही है कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली कोई कोई कह रहा है कोई कोई कह रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं काम किसी की भी वैक्सीन नहीं कर रही है इस वक्त सिर्फ जो काम कर रहा है वो अपनी सावधानी अपनी सतर्कता वही काम कर रही है कि भाई दूर रहें हाथ धोए मास्क पहने बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में ना जाए प्रोटेक्ट करें क्योंकि अभी कोई पुख्ता इंतजाम या पुख्ता मेडिसिन या पुख्ता वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है इसलिए आप खुद ही अपने से ही सचेत हो जाइए अपनी सुरक्षा स्वयं करिए सरकार दूसरे कामों में लगी है, आपकी परवाह आपको खुद करनी पड़ेगी ये आप समझ लीजिए ठीक है बाकी जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है उनको आप फॉलो करिए और प्लस तो कॉपी राइट किसमें होगा कॉपी राइट जैसे आपने पोएम बनाई इसको चाहे तो लिख लीजिए पेटेंट किसमें होता है मेडिसिन है कोल्ड ड्रिंक है कुछ खाने पीने की चीज में पेटेंट आपने करा लिया है ना और कॉपी राइट है पेटेंट में आपका लोगो वगैरह भी होता है डिजाइंस वगैरह भी होते हैं पेटेंट में हाँ वो अभी लिखा देते हैं कॉपी में पोएम है स्टोरी है ठीक है एल्बम है म्यूजिक एल्बम है सॉन्ग्स है कोई म्यूजिक कंपोज करी आपने मूवी बनाई कोई वो सब आपका कॉपीराइट में है जैसे कोई मूवी बनी है आपने आपको मूवी बनाने का शौक है तो आपने कोई भी हिंदी फिल्म देखी उसमें से सीन छाटे और अपने में डाल दिए तो जो ओरिजिनल मूवी होगी वो आप पे क्लेम कर देगी कि ये सीन हमारा है ये थीम हमारी है तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते ठीक है थीके? और रजिस्टर में आप कंपनी का नाम वगैरह रजिस्टर करा लेते हैं आपकी कंपनी का कोई नाम है उस नाम को कोई दूसरा यूज ना करे और ट्रेडमार्क में जो यूज होता है ये आपका जैसे लोगो वगैरह होता है ना जैसे आडिडास का लोगो है नाइक का लोगो है और मैकडोनल्ड का लोगो है पेप्सी का लोगो है ठीक है ये सब जो लोगोज होते हैं लोगो सिंबल इनको भी आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं ताकि कोई दूसरा उसको यूज ना कर पाए ठीक इसके लिए आप एक चीज देखिए ये वाला इसको देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट का मतलब ह्यूमन ब्रेन से इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन यानी कि यह या हमारी क्रिएशन होती है इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं ठीक है ये नोट्स हम आपको दे देंगे आप मांग लीजिएगा आईपीआर करके नोट्स मांगिएगा तो हम आपको दे देंगे इसमें क्या होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट कवर्ड बाय द ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कोई वर्क है इन्वेंशन है रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड बिजनेसेस इन सब में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज होता है जैसे आपका कॉपीराइट किस किस चीज के लिए प्रोटेक्शन ऑथर प्रॉपर्टी आइडिया लाइसेंस रजिस्टर्ड पेटेंट लॉ इन सब के लिए आपका ये होता है कॉपीराइट अब यहां पर ये आप चीज देखिए जरा ये कि ये मई 2007 में ये आ, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए मई 2016 में फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी ठीक है जो कि किस लिए यूज हो रही है कॉपीराइट के लिए पेटेंट्स के लिए ट्रेडमार्क के लिए ट्रेड सीक्रेट्स के लिए ट्रेड सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब बिजनेस में जो सीक्रेट्स होते हैं ठीक है और इनकी जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी को कहते इसको लिख लीजिए आप एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शॉर्ट में इसको ट्रेस कहते हैं इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में ठीक और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं जो फोर टाइप्स के ये के ट्रेड सीक्रेट ट्रेडमार्क कॉपीराइट एंड पेटेंट्स ठीक है इसके लिए जो है जितने भी आपके वो है मेट्रो सिटीज हैं जैसे कैलकाटा है आपका चेन्नई है दिल्ली है मुंबई है वहां पर हर जगह एक ऑफिस बना होगा ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ये ऑफिस बना होगा और उस ऑफिस में जा करके आप अपने सीक्रेट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, पेटेंट को रजिस्टर करा सकते हैं ठीक है इसको छोड़ दीजिए आप अभी बता रहे हैं इतना समझ में आ गया अब आप, आपको ये बता दें डेटा माइनिंग क्या चीज होता है मूवी में कॉपी किए जाते हैं ऊपर केस नहीं होता नहीं केस ऐसा होता है ना कि मूवी में बहुत सारे सीन कॉपी करते हैं एक दूसरे का कभी लोग केस करते हैं कभी केस नहीं करते हैं अगर आप मूवी न्यूजेस सुनेंगे तो उसमें बहुत सारे केसेस होते भी हैं एक दूसरे पे कि इन्होंने हमारी रीमेक बना ली और हमें बताया नहीं हमें रॉयल्टी नहीं दी तो केस करते हैं तो वो ज्यादातर तो रॉयल्टी दे देते हैं सीन कॉपी करने का तो वो दूसरे को रॉयल्टी देते हैं कि भाई ठीक है हमने आपको कॉपी करा आप हमें एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दी उसके बदले हम आप आपको कुछ पेड कर देते हैं तो ऐसे करके वो केस खत्म हो जाता है ठीक है और इसमें कुछ आपको पूछना है कॉपीराइट वाले में बाकी हम आपको ये बताते हैं डेटा माइनिंग क्या चीज़ होता है इससे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में ये तो होगी आपका आईपीआर इतना ही है आईपीआर का बेसिकली आप में ना फुल फॉर्म पूछता है बस बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछता है हमने तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल भी बता दी एक चीज़ होती है डेटा माइनिंग आइए वो समझ लेते हैं क्या होता है हेडिंग डालिए डेटा माइनिंग देखो माइनिंग का मतलब होता है कलेक्शन और यहां पर किस चीज का कलेक्शन डेटा का कलेक्शन यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा ठीक है तो जितनी भी कंपनीज हैं जैसे आपकी यूट्यूब है ठीक है WhatsApp है फेसबुक है इंस्टाग्राम है ये तो गूगल की ही कंपनी है सारी और यूट्यूब अलग कंपनी है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब गूगल कंपनी है तो ये क्या करते हैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा YouTube किस चीज की कलेक्शन करता है YouTube करता है कलेक्शन वीडियो का और फिर वीडियो को क्या करता है ये सेल करता है और उस पर एड लगाता है ये कलेक्ट कर लेता है जैसे अब आई कॉलेज के बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल बना हुआ है तो आई ने वीडियोज डाल दी अब यूट्यूब ने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए अब जैसे जैसे वीडियो हिट होता रहेगा लोग देखते रहेंगे और जो ज्यादा देखेंगे उसी पे ये एड लगा देगा अपने जिसका रेवेन्यू डायरेक्ट यूट्यूब को जाएगा यूट्यूब उसको अर्न करेगा उससे और कंपनी उसको एड का पैसा देगी तो जो वीडियो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं किसी भी चैनल के हम अपने ही चैनल की बात नहीं कर रहे हैं बहुत से फेमस चैनल है एजुकेशनल चैनल वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं देखे जाते हैं ज्यादातर जैसे सॉन्ग है कॉमेडी है न्यूज है ये सब चैनल बहुत ज्यादा देखे जाते हैं तो वो उस पर खूब ऐड आएंगे तो वो एड का रिवेन्यू यूट्यूब Uh, जो है वो मिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस में कमाता है अर्न करता है तो वो डेटा के लिए करता है तो पहले डेटा को कलेक्ट करना है तो कहाँ कलेक्ट करना है डेटा को कलेक्ट होगा कहाँ पर जब फ्री ऑफ कॉस्ट तो यूट्यूब पर डेटा कलेक्ट हो जाता है उसी तरीके से ये व्हाट्सएप है फेसबुक है इंस्टाग्राम ये सब क्या करते हैं ये क्या चीज़ कलेक्ट करते हैं इनके पास डेटा होता है किस कैसा कलेक्ट योर पर्सनल डेटा ये आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट करते हैं भाई यूट्यूब है फेसबुक है इस पर क्या है आपके आपका ये फोन नंबर कलेक्ट कर लेते हैं है ना फोन नंबर कलेक्ट कर लिया आपका एड्रेस कलेक्ट कर लिया आपकी फोटो कलेक्ट कर ली आपके छोटे छोटे वीडियोस हैं वीडियोस भी अपलोड करते हैं वीडियो कलेक्ट कर लिए आप अपने थॉट्स भी डालते रहते हैं तो थॉट्स को कलेक्ट कर लिया फिर इनके हिसाब से आपको क्या भेजा जाता है एड भेजा जाता है कंपनी के जरिए ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जिन कंपनी को फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी उस कंपनी को यह फ़ोन नंबर दे देगी जिस कंपनी को आपके एड्रेस की जरूरत होगी एड्रेस दे देगी फोटो की जरूरत होगी फोटो ये बेच देगी दे वीडियो की जरूरत होगी वीडियो बेच देगी थॉट्स की जरूरत होगी थॉट्स भेज देगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें ये बेच सकती है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप क्या कहते हैं इसमें बहुत सारे आपके व्हाट्सएप है फेसबुक है इंस्टाग्राम आप अपना बिजनेस पूरा इस लोग करते हैं तो पूरे बिजनेस की डिटेल भी इनके पास है वो बिजनेस की डिटेल ये दूसरे को सेल कर सकते हैं तो सेल करते हैं बेसिकली ये डेटा को तो डेटा क्या है एक तरह का प्रोडक्ट डेटा क्या है एक तरह का प्रोडक्ट है जैसे किसी भी दुकान में प्रोडक्ट्स होते हैं ना खूब सारे अलग अलग तरह के साबुन तेल कंगी दाल आटा चावल ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर खरीदता है उसी तरीके से यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ये सभी जितने भी गूगल ये सभी खूब सारा डेटा कलेक्ट करके रखते हैं किसी का फोटो किसी की वीडियो कंपनी के आइडिया कंपनी के थॉट हर पर्सन की हॉबी उसने क्या करा कहां गया क्या घूमा किस होटल में रुका सारी जानकारी देता है इस जानकारी को ये बहुत तरतीब में रखते हैं बहुत वेल मैनर्ड तरीके से रखते हैं ठीक है ऐसे ही नहीं भर देते कूड़े की तरह इसको कैसे रखते हैं इसको बहुत अच्छे से रखते हैं और जहां रखते हैं उसे कहा जाता है वेयर हाउस वेयर हाउस या इसको कहा जाता है डेटा सेंटर अब ये थोड़ा डेटा तो थो होगा नहीं है ये तो गीगा बाइट टेरा बाइट योटा बाइट ब्रॉन्डो बाइट पेटा बाइट में होगा ये बहुत बड़ा डेटा होगा उसे कहते हैं डेटा सेंटर ठीक है क्या बोलते हैं वेयर हाउस या डेटा सेंटर तो डेटा माइनिंग इज वॉट डेटा माइनिंग इज द कलेक्शन ऑफ डेटा तो कलेक्शन ऑफ डेटा कोई क्यों करता है जैसे बैंक डेटा को कलेक्ट क्यों करते ताकि उसके कस्टमर के सारी डिटेल उसके पास रहे अकाउंट खोल रहा है कस्टमर अकाउंट बंद कर रहा है पैसा निकाल रहा है डाल रहा है चेक बना रहा है डीडी बना रहा है तो तमाम जानकारी बैंक को चाहिए तो उसका डेटा कलेक्ट करेगा तो डेटा को कलेक्ट करने को ही क्या कहा जाता है डेटा माइनिंग और इससे क्या करा जाता है ये जो कंपनीज है यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक ये सब क्या करते हैं अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें इस डेटा को कैसे यूज करना है ठीक है तो उसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं डेटा माइनिंग समझ में आया सबको कोई कन्फ्यूजन इसमें एनी कन्फ्यूजन डेटा माइनिंग इज क्लियर अब यहां पर एडिंग डालिए आईटी गैजेट आईटी गैजेट बता सकते हैं क्या होता है कोई बताएगा गैजेट बताइए क्या होता है आईटी गैजेट या इट गैजेट नहीं है आईटी गैजेट है आई टी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट बताइए क्या होता है कोई बताओ बताइए क्या होता है गैजेट हाँ मधु ने बताया है कि गैजेट इज डिवाइस कुछ लेटेस्ट गैजेट का नाम बता सकते हैं आप लोग डिवाइस सम लेटेस्ट गैजेट कुछ लेटेस्ट गैजेट का नाम बताइए वेरी गुड जैसे डैश कैम मयंक ने बताया डैश कैम ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग डैश कैमरा और और बताइए आईटी गैजेट नहीं जानते तुम लोग अच्छा चलो एक हम बताते हैं फिर तुम लोग बताओगे स्मार्ट आगे क्या लिखे बताओ हाँ स्मार्ट वॉच वेरी गुड और बताओ इसी तरह का है अब गैजेट बताओ गैजेट ऐसे ही है बताइए और बताइए और भी लोग बताइए और आप लोग जो भी है मीटिंग में सब लोग बताइए लिख लिख करके एटीएम गैजेट नहीं है एटीएम इज नॉट गैजेट स्मार्ट वॉलेट स्मार्ट स्मार्ट वॉलेट भी गैजेट नहीं है दैट इज अ फैसिलिटी मोबाइल फ़ोन भी गैजेट हाँ मोबाइल फ़ोन को गैजेट तो कह सकते हैं स्मार्ट टीवी गैजेट है स्मार्ट फ़ोन नहीं लैपटॉप गैजेट नहीं है लेटेस्ट गैजेट लेटेस्ट लैपटॉप तो पुराना हो गया ना एलईडी भी नहीं स्मार्ट फोन जैसे बताया ना फैक्स मशीन भी नहीं है देखो लेटेस्ट बताना है जैसे ड्रोन कैमरा ठीक है हाँ स्मार्ट रिमोट जैसे एक आप सुनते होंगे एलेक्सा ये भी गैजेट है हाँ गूगल ग्लास वेरी गुड अनुराग ये सब गैजेट है और स्पाई पेन स्पाई पेन जो है होता है इसमें कैमरा लगा रहता है लाइट पेन को नहीं कहे लाइट पेन ओल्ड हो गया लाइट पेन ओल्ड पेन विद कैमरा हाँ स्पाई पेन जो है ये ऐसा पेन होता है जिसमें क्या लगा होता है जिसमें कैमरा लगा होता है ये जासूसी करने के लिए यूज होता है पेन विद कैमरा लेजर लाइट लेजर लाइट कंप्यूटर में यूज होती है लेजर लाइट समझ गए ना कुल मिलाकर के आईटी गैजेट समझ में आया यही है लेटेस्ट आईटी गैजेट बर्ड्स कहते हेडफोन नहीं जो इयरबड्स आए हैं ना आजकल इयरबड वो है लेटेस्ट गैजेट में इयरबड्स जो कि गाना वाना सुनने के लिए काम में आते हैं ईयरबर्ड्स ये हेडफोन ही है एक तरीके के लेकिन ब्लूटूथ है एडवांस इयरबड्स है हेडफोन्स तो आपके तार वाले भी होते हैं हेडफोन हम इनको कहेंगे ईयरबर्ड्स ठीक है ना हम्म वेरी गुड वेरी गुड हेडफोन्स हेडफोन्स में बस आप लगा दीजिए ईयरबड्स तो वो दैट इज गैजेट गैलेक्सी वॉच वही स्मार्ट वॉच हो गई है। ये हमने जो आप गैलेक्सी वॉच बता रहे हैं वही ये चीज है ना स्मार्ट वॉच आपका बैंड भी आता है रिस्ट बैंड रिस्ट बैंड जिसमें हार्ड रेट वगैरह भी रहता है ना रिस्ट बैंड ठीक है इसका नोट्स मांग लेना हमसे आईपीआर का तो हम आईपीआर डेटा माइनिंग और आईटी गैजेट एक साथ तुम लोगों को नोट्स दे देंगे ब्लूटूथ स्पीकर हाँ बिल्कुल सही है ब्लूटूथ स्पीकर ब्लूटूथ बना रहे थे हम बना नहीं ब्लूटूथ स्पीकर सुपर स्ट्रेटा बाइक हाँ उसको भी गैजेट गैजेट बेसिकली होते हैं जो हैंडी हो छोटे हो आपके हाथ में आ जाए यूजेबल हो उसको हम कहते हैं गैजेट आईटी गैजेट वो होते हैं ठीक है ना जैसे अब आप कहेंगे टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार वो भी गैजेट है ये नहीं है वो तो एक बड़ी डिवाइस हो गई पूरा बड़ा एक मतलब सिस्टम ही हो गया ठीक है तो ब्लूटूथ स्पीकर ये सब लिख लीजिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन और दिस इज योर आईटी गैजेट कोई कंफ्यूजन किसी को इसको हमसे आप व्हाट्सएप मांगिएगा आईपीआर लिख दीजिएगा बस तो हम आपको ये तीनों भेजेंगे आईपीआर डेटा माइनिंग और आईटी गैजेट एक साथ भेज देंगे ठीक है ये लास्ट नोट्स है हमारा ठीक है ये लास्ट नोट्स होगा और ये टॉपिक भी लास्ट है अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है कुछ क्वेश्चन आंसर और जो आपकी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में क्योंकि तो हमारा ये सिलेबस यहाँ पर एंड हो गया तो ये आप ये लास्ट टॉपिक है हमारा ये जो हमने आपको बताया ये लास्ट टॉपिक है अब देख लेंगे जो छूटा होगा कुछ आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग पूछ लेगा तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे ठीक है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे कुछ क्वेश्चन होंगे वो देख लेंगे ओके